बच्चे नेक्स्ट वीडियो अपन ठीक है बनानी है, मतलब नेक्स्ट वीडियो आप ठीक है इस किस रिगार्डिंग है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्ड एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल थ्योरी। ठीक है बच्चे, बच्चे देखो हम तक आप सारा कुछ पढ़ लिया, ब्लैक बॉडी की होंगी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की होंगी है, ठीक है उन्होंने कुछ स्पैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन आप किदा दिने, ठीक है फिर आप ठीक है उनके लास्ट पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी के रेलाइट जीन्स ला तो वीन्स ला, ठीक है दो ला सके हूँ आप ठीक है जो लाज है आप उन्होंने क्लासिकल अप्लाई करके देखनी है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल ठीक है जब अपने को वीन्स लाव है, वीन्स कंट्रीब्यूशन की कहती है अपने को कि क्लासिकल थ्योरी ने की किया बेस्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ने वीन्स ला दिता तो उन्हें ना ब्लैक बॉडी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है किदा ला दिता उन्हें, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी एंड एज्यूम दैट ओसीलेटर आर ऑफ मोलीकुलर साइज, जोड़े ओसीलेटर है मोलीकुलर साइज के है, ठीक है जो एनर्जी रेडिएटेड है दैट इज ई लैमडा, ठीक है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रैशन ठीक है दिस इज कॉल्ड द वीन्स रेडिएशन ला, दिस इक्वेशन होल्ड्स ठीक है वेरी वेल एट लो वेवलैंथ, जी इक्वेशन है ये लो वेवलैंथ के उत्ते तो अपलाई होंगी है जो लैमडा अपने को है लो है बट हाई वेवलैंथ के उत्ते ठीक है एक ही हो जाती है फेल हो जाती है बट फेल्स टू एक्सप्लेन एट हाई वेवलैंथ, ठीक है हाई वेवलैंथ रीजन के उत्ते की हो जाती है एक्सप्लेन नहीं हो जाती, ठीक है सो क्लासिकल ने इस ला नू ठीक है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपना इनू एक्सप्लेन नहीं कर पाते पूरे वेवलैंथ रीजन के, ठीक है क्योंकि लो तो होंगी है बट लहाई तो नहीं होंगी, ठीक है उस बाद नैक्सट है अपने को रेलाइट जीन्स ला, ठीक है बच्चे जो रेलाइट जीन्स लाव है ये अपने को कहता वै इन्हें अपने को एक्सप्रैशन दिता कि रिज्यूम करके, ठीक है कि जो ब्लैक बॉडी है इट इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ऑसिलेटर एंड अप्लाइज ला ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस ईच, ठीक है मोड पोजेस एवरेज एनर्जी इक्वल टू के टी, ठीक है एवरेज एनर्जी हर किसी मोड की होंगी है वाइब्रेशनल मोड की वो के टी इक्वल होंगी है, ठीक है तो उन्हें अपने को एक्सप्रैशन की दिता से 8π/ लैमडा दी 4kT, हूँ जो ए वाला वै ये हाई वेवलैंथ पर अपलाई हों लो तो नहीं हों, ठीक है क्लासिकल ने दिता से बट किस पूरी वेवलैंथ रीजन के अपलाई नहीं होंगे हाई तो हों लो तो नहीं हों, लो तो हों हाई तो नहीं हों, ठीक है इस करके की है क्लासिकल का दोनों ला के कोई भी ला है वह पूरी फुल रेंज से अपलाई नहीं हों, सो क्लासिकल थ्यूरी ठीक है डज नॉट एक्सप्लेन द ठीक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट ऑल वेवलैंथ, पूरी वेवलैंथ के उत्ते इन दोनों लाचों किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है बच्चे नैक्सट अपने को एक टर्म आ जाती है इन रिलेटिड है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, इनू आप मैं शॉर्ट फॉर्म च लिखूंगी यूवी कैटास्ट्रोफ, ये पेपर से भी आ जाता होंगे वट इज़ अल्ट्रा वायलेट फुल फॉर्म लिख आती होंगी अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, ठीक है बच्चे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, ठीक है इनका मतलब की है कैटास्ट्रोफ का की मतलब है कट होना, बच्चे जी यूवी की रेंज है ठीक है होंगी है 200 to 800 nanometer, तुम्हें पता है सारा जी रेंज होंगी है, ठीक है कि रीजन अप्लाई होंगी है ये, ठीक है
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਲਾਈਟ ਜੀਨਸ ਲਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 200 to 800 ਵੈ ਉਹ ਲੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਲਾਈਟ ਜੀਨਸ ਲਾਵ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਐਟ ਹਾਈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਯੂ ਵੀ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਦਾ ਫਿਲ ਦਿਸ ਫੇਲਰ ਆਫ ਰੇ ਲਾਈਟ ਜੀਨਸ ਲਾ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫ, ਕਿ ਯੂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹਾਈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇ ਲਾਈਟ ਜੀਨਸ ਲਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਐਟ ਹਾਈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਐਟ ਲੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਟਰਮ ਯੂ ਵੀ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਰੇ ਲਾਈਟ ਜੀਨਸ ਲਾ ਐਟ ਦਿਸ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਦਾ ਯੂ ਵੀ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਵੀ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਾ 'ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੈਂਕਸ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਲਡ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੇ 3 ਥਿਊਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਲੈਂਕਸ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੈਂਕਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਂਕਸ ਵੀ ਕੁਆਂਟਮ ਦਾ ਲਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪਲੈਂਕਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੈਂਕਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ।